Hello everyone, let's start with question number 1, D part. So it says calculate the amount and compound interest on 8000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly. So half yearly वाला formula use करना है और given condition use करनी है to find amount and compound interest. तो principal 8000 है, 1 as it is, R आपके पास 9 है और नीचे 200 आ जाएगा, 2N. N की जगह 1, क्योंकि 1 ईयर हमने दिया हुआ है ऑलरेडी. सो ये हो गया आपका 8000 और आपका इन ब्रैकेट हो जाएगा 209, क्योंकि LCM लोगे तो 200 आ गया यहाँ पर और इधर 200 आ जाएगा प्लस 9 रेस टू पावर 2. सो दिस विल बी 8000 209 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए आ रहा है. तो 200 नीचे दो बार आएगा, अगर ऊपर वाला भी स्क्वायर है तो नीचे वाला भी स्क्वायर है. अब जीरो से जीरो कैंसिल करने की कोशिश करो, कैंसल आउट. अब ये 2 बचा नीचे, 8 ऊपर है तो 4 कर दिया. अब नीचे 20 है हमारे पास और यहाँ पे 4 है ऊपर की तरफ, तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं. अब 209 को दो बार मल्टीप्लाई करना है आपने और डिवाइड करना है विथ 5. तो जब आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8736.20. अब आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 8736.2, प्रिंसिपल है 8000 का. सो फाइनल कितना आ गया आपका? 736.2 रुपीस. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 736.20. सो दिस इज द आंसर फॉर डी पार्ट.